एनएसवाई के प्रदेश सचिव टोनी ठाकुर की अगुवाई में आज डीसी हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार और एचपी शिमला को ज्ञापन एनएसआई ने चेताया है कि अगर जल्द मांगे न मानी तो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और ना ही कोविड वैक्सीनेशन ढंग से चल रहा है, जिससे छात्र वर्ग भी परेशान है। उन्होंने कहा कि कक्षाएं ऑनलाइन भी सही ढंग से नहीं लगाई जा रही हैं और अब परीक्षाएं जरूरी हैं तो वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी लाई जानी चाहिए। टोनी ठाकुर ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को मांगों का पत्र भेजा जा रहा है और अगर जल्द कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो एनएसयूआई कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षाएं आयोजित करवानी चाहिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। आज एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश अलग अलग जिलों में विभिन्न विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो प्रदेश सरकार है और जो प्रदेश सरकार के मुख्य माननीय जयराम ठाकुर जी हैं उनको ज्ञापन सौंपने जा रही है। इसमें मुख्य मांग जो है वो सबसे पहले कि छात्रों को प्रमोट किया जाए। देखिए, इसके पीछे जो है वो दो मुख्य कारण हैं कि ना ही अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है पूरे हिमाचल में ढंग से चल पाया है और दूसरा ना ही ऑनलाइन जो क्लासेस लगी हैं वो सही ढंग से जो है वो लगी हैं। और हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ की अलग अलग जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, बहुत क्षेत्रों में जो है वो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों के बच्चे जो है वो अपनी जो क्लासेस है वो सही ढंग से नहीं लग पा पाए हैं। देखिए, जब क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं तो अगर सरकार को एग्ज़ाम कंडक्ट ही करने हैं तो ऑनलाइन करवा ले, और साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी हैं तो पहले वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा कार्यक्रम कर लें। लेकिन जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का जो ड्राइव वो चला है, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 2-3 महीनों में भी जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो पूरे प्रदेश में छात्रों को नहीं लग पाएंगी। तो इसके लिए आज अपनी मांगों का जो है मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस में आए हैं और अपनी मांगों से ये पत्र हम सौंपेंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है इसकी और ज़रूर जो है वो अमल करेगा, अन्यथा एनएसयूआई को जो है वो कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर जो है वो विधानसभा का घेराव जो है वो करना पड़ेगा। धन्यवाद।